दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 मुकाबले में भारत के गिर चुके थे 3 विकेट मात्र 11 रन के कुल स्कोर पर, और फिर रोहित शर्मा ने कर दिखाया चमत्कार। शिवम दुबे ने भी गुस्से में आकर चोटिल होने के बावजूद भी ठोका शतक। अंतिम ओवर में जब भारत को चाहिए थे जीत के लिए 25 रन, और फिर शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने मिलकर ऐसे पलटा हारा हुआ मुकाबला की देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो दोस्तों आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक। और यहाँ पर शिवम दुबे, रिंकू सिंह की अंतिम ओवर की बल्लेबाजी तो देखे बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से कौन अच्छा बल्लेबाज, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का शुभ आरंभ हो चुका है। और दोस्तों इस सीरीज का पहला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया। हालांकि दोस्तों शुरुआत में तो हर किसी को ये लग रहा था कि भारतीय कप्तान बल्लेबाजी चुनकर इंग्लैंड के आगे टारगेट फिक्स रखें और मैच भारत जीत जाए, लेकिन रोहित शर्मा ने यहाँ कठिन परिस्थितियों को अपनाया। इस बीच इंग्लैंड के लिए जब पारी की शुरुआत फिल सॉल्ट और जॉस बटलर करने के लिए उतरे, तो दोनों बल्लेबाज इसी इरादे के साथ आए थे कि पहली गेंद से यहाँ बाउंड्रियां लगाएंगे, और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा था, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 5 ओवर के भीतर ही 55 रन जोड़ लिए थे। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही अंदाजा था कि अगले ही पल जॉस बटलर का विकेट गिरने वाला है, और कप्तान जॉस बटलर 28 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं जॉस बटलर के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे लियम लिविंगस्टन, लेकिन यहाँ पर फिल सॉल्ट और लिविंगस्टन के बीच साझेदारी आगे बढ़ती है। उससे पहले ही फिल सॉल्ट भी अपना विकेट गवा बैठे, जो कि 32 रन बनाकर आउट हुए। अब 2 बड़े झटके लग जाने के बाद इंग्लैंड की टीम काफी ज्यादा दबाव में थी, लेकिन यहाँ पर लियम लिविंगस्टन और हैरी ब्रुक ने पारी को संभाला। इस बीच लियम लिविंगस्टन ने इंग्लैंड की टीम के लिए 14 रन बनाए, तो वहीं हैरी ब्रुक के बल्ले से 47 रन की पारी निकली, जिसके चलते यहाँ इंग्लैंड की टीम 150 रन का आंकड़ा पार करने के नजदीक पहुंच चुकी थी। और फिर अंत में आकर मोइन अली ने छक्के चौकों की बरसात करके विल जैक्स के साथ मिल 32 रन की साझेदारी कर डाली, जिसके चलते यहाँ इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 167 रन भारत के आगे बनाए। और भारत की टीम के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट कुलदीप यादव के नाम रहे, तो वहीं 1-1 विकेट अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को मिला। अब दोस्तों भारतीय टीम की बारी थी कि इस मैदान पर उतरकर इंग्लैंड की टीम से अपना बदला पूरा करने की। अब भारत की टीम के लिए जब पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतरे, तो दोनों बल्लेबाज यहाँ बड़ा स्कोर बना पाते। उससे पहले ही यशस्वी जायसवाल के रूप में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जहाँ बाहर जाती हुई गेंद को यशस्वी जायसवाल छेड़ बैठे और वो गेंद सीधा स्टंप के पीछे खड़े फिल सॉल्ट के हाथ में चली गई, और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रन बनाकर ही आउट हुए। तो वहीं जायसवाल के आउट हो जाने के बाद फिर उतरे विराट कोहली, जहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा की साझेदारी आगे बढ़ पाती। उससे पहले ही विराट कोहली भी इस मैच में भारत के लिए ज्यादा रन जोड़ नहीं पाए और मात्र 2 रन बनाकर कोहली का विकेट गिरा। अब 2 बड़े विकेट पीछे खड़े फिल सॉल्ट के हाथ में जा चुके थे, इसलिए अब आगे आने वाले बल्लेबाजों को संभलकर बल्लेबाजी करने की बेहद ही जरूरत थी। अब रोहित शर्मा तो एक तरफ टिके हुए थे, लेकिन सामने उनका साथ निभाने के लिए अब शुभमन गिल उतरे, लेकिन शुभमन गिल भी यहाँ बड़ा स्कोर बना पाते। उससे पहले ही वो भी 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब रोहित शर्मा बतौर कप्तान की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब रोहित शर्मा ने पूरी आस खो बैठे थे कि अब हम इस मुकाबले को जीतेंगे भी या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने भारत के लिए जैसे तैसे करके शिवम दुबे के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी को भी अंजाम दिया, लेकिन दोस्तों अब चौंकाने वाला मोमेंट तो आने वाला था, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा जो कि 35 रन बनाकर खेल रहे थे, उनके रूप में भारतीय टीम को ये 4th बड़ा झटका लगा, जहाँ रोहित शर्मा 35 रन बनाकर जैसे ही आउट हुए, तो शिवम दुबे को अब समझ आ चुका था कि यह मुकाबला अगर जीतना है तो अपने बलबूते पर ही जीतना पड़ेगा। यहाँ पर शिवम दुबे ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर अब पारी को आगे बढ़ाया। इस बीच शिवम दुबे ने पहले तो अपने 50 रन मात्र 21 गेंदों में पूरे किए, और अपने शतक की तरफ वो मात्र 45 गेंदों में ही पहुंचकर पूरा कर चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पर शतक जड़ देने के बाद शिवम दुबे कहाँ रुकने वाले थे, और साथ में उनके अब रिंकू सिंह भी आ चुके थे, और दोनों बल्लेबाजों ने अब भारतीय टीम को जिताने के लिए पूरी भूमिका निभाई, और इस दौरान मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे, जहाँ भारत की टीम को मैच जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों में 25 रन की दरकार थी। और यहाँ पर इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी करवाने के लिए रिच टॉपली मैदान पर उतरे। अब दोस्तों रिच टॉपली और कप्तान जॉस बटलर पूरी कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे करके इन दोनों को आउट कर लिया
किया जाए। लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह ने तो यहाँ अलग इरादा बना रखा था, उन्होंने पहली गेंद का सामना किया अंतिम ओवर की और सामने की तरफ बाउंड्री लगाते हुए 4 रन बटोर लिए। अगली गेंद पर छक्का जड़ दिया रिंकू सिंह ने ऑफसाइड की तरफ जाती हुई गेंद पर और अगली एक गेंद पर रन भागकर शिवम दुबे को अब स्ट्राइक थमाकर उनका शतक और यहां तक कि अपनी टीम को मैच जिताने का दारोमदार भी सौंप दिया था। अब शिवम दुबे को 3 गेंदों में 14 रन बनाने थे, भारत मैच जीत जाता। अब शिवम दुबे को पावर हिटिंग के लिए जाने जाता है और अगली गेंद पर शिवम दुबे ने 2 रन भागकर भारतीय टीम को अब रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया। यहां से भारत को मैच जीतने के लिए 2 गेंदों पर 2 छक्के जरूरी थे और शिवम दुबे ने 1 छक्का सामने की तरफ और 1 छक्का डीप मिड विकेट की ओर लगाते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत करवाई। और दोस्तों यह मुकाबला टीम इंडिया के नाम रहा, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 मुकाबले से ठीक पहले खेला गया। यह इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का भले मैच है, लेकिन भारतीय टीम की जीत के बारे में अब आप सभी की क्या राय है और आप शिवम दुबे के शतक और रिंकू सिंह की धुआंधार बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।